बीजेपी हाईकमान ने राजस्थान भाजपा में संगठनात्मक फेरबदल करते हुए राजस्थान में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। इसी के साथ सतीश पुनिया की अध्यक्ष पद से विदाई हो गई है। बता दें कि सतीश पुनिया के 3 साल का कार्यकाल 14 सितंबर 2022 को पूरा हो गया था, लेकिन बावजूद इसके वे लगातार पद पर कार्य कर रहे थे। बताया जा रहा है कि लंबी जद्दोजहद और मंथन के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने ये बदलाव किया है। गौरतलब है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीपी जोशी की नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं। पुनिया के अध्यक्ष कार्यकाल में ज्यादातर विधानसभा उपचुनाव और नगरीय निकायों के चुनाव में बीजेपी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे खेमे से भी पुनिया खेमे की अदावत हो गई थी, जो किसी से नहीं छिपी। पार्टी आलाकमान ने समय समय पर इस खींचतान को काफी रोकने की कोशिश भी की। विधानसभा चुनाव से करीब 7 महीने पहले बीजेपी हाईकमान द्वारा किए गए इस बड़े फेरबदल के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि सीपी जोशी विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करेंगे, ताकि बूथ लेवल पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को खड़ा किया जा सके। इसके लिए टीम में बड़े स्तर पर बदलाव की उम्मीद है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।